is what they all say when they see me pouring some more. Oh, then gets empty again. Good morning, all of you. Welcome to my vlog. Welcome to my YouTube channel. So, friends, आज हमारे हैं ताजमहल पर एंड आज मैं आपको करवाऊंगा ताजमहल का फुल टूर. तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो बिना देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. So friends, रिक्शा से उतर के अब हम कर रहे हैं एंट्री. Friends, ये टिकट काउंटर है क्योंकि हम सुबह आ गए थे जल्दी ही. सो अभी ज्यादा भीड़ नहीं है. रिक्शा टाइम मेरी टिकट नहीं लगेगी क्योंकि अब 15 नहीं है. अब 15 की टिकट है एंड यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी. आपको कुछ टिकट्स मिल जाएंगे एंड ये है टिकट्स एंड इन पॉइंट्स से आपकी एंट्री होगी. सो अब स्कैन करवा के चलते हैं अंदर. खरीदार, मैं तेरे को बताता हूँ. जो ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये जितने रूम हैं, ये जो ओल्ड वर्कर थे जो यहाँ पे काम करते थे, ये नाइट में या दिन में यहाँ स्टे करते थे और ये उनके लिए रूम बनाए गए थे उस टाइम पे. और ये है रॉयल गेट, इसको बोलते हैं रॉयल गेट. चलो आगे से दिखाता हूँ इसको. और ये है फोर कोर्ट, यहाँ पर फोर गार्डन है, फोर ही गेट है, इसलिए इसका नाम है फोर कोर्ट. और अब यहाँ से होगी रॉयल गेट से एंट्री. और कहते तो ये भी है कि इस लाइन से जब हम सीधा चलते चलते ताजमहल के अंदर जाएंगे तो जो आप सामने ताजमहल देख रहे हैं वो पीछे होता चला जाएगा. अब सच्चाई तो पता नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सीधा चलूँ. हालांकि काफ़ी टूरिस्ट है तो पता नहीं सीधा मैं जा पाऊँगा या नहीं, देखते हैं. भाई अभी तक तो मुझे कुछ लगा नहीं कि दूर जा रहा है, पर कहते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताज नहीं देखा. क्या आपने ताज देखा है? तो फ्रेंड्स, कहने को तो कुतुब मीनार इंडिया की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जान के हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है. ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है. तो ये है ब्यूटीफुल ताज और ये है फोटो पॉइंट. यहाँ पे सभी लोग फोटो खिंचाते हैं, अभी हम भी फोटो लेंगे. और यहाँ पर है काफ़ी ब्यूटीफुल ये प्लांट्स लगा रखे हैं और ये बिल्कुल ताजमहल के सामने लगा रखे हैं जो कि और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं. देख रिद्यान, ये भी वही है ओल्ड वर्कर रूम जो 20,000 वर्करों ने काम किया था. और ये हमने इस गेट से की है एंट्री और इसके जस्ट सामने है द ब्यूटीफुल ताज. और एक बात और मैं बताना भूल गया, जो आप ये गुंबद देख रहे हैं ये 11 है, 11 बाहर की तरफ है, 11 अंदर की तरफ है, ताकि ये याद रहे कि ये 22 साल लगे थे इसको बनने में. ताजमहल बनना शुरू हुआ था 1631 में और 1653 में ये जाके ख़त्म हुआ था, इसलिए याद रखने के लिए शाहजहाँ ने यहाँ पे 16 गार्डन और 53 फाउंटेन बनवाए हैं. और ये जो फाउंटेन है ये ओरिजिनल फाउंटेन है शाहजहाँ के टाइम के ही, इनको चेंज नहीं किया गया. वक्त वक्त पे अगर ख़राब होते हैं तो इनको रिपेयर कर दिया जाता है, पर ये चेंज नहीं हुए, ये ओरिजिनल है. और ये तो खैर सबको पता ही है, जो ये गुंबद के ऊपर जो ये है ये पहले गोल्ड का हुआ करता था, पर अब ये ब्रास का है क्योंकि अंग्रेज जाते जाते इसको भी अपने साथ ले गए. ये कुआ है, 20,000 लोग यहीं से पानी पीते थे, पर अब ये बंद कर दिया गया है क्योंकि ये सूख गया है. और जिसको ऊपर जाना है उसका रास्ता है यहाँ से आगे जाके. अगर आपको ऊपर ताजमहल देखना है तो यहाँ से आपको मिलेगी 200 रुपये की टिकट, उसको लेकर आप ऊपर जा सकते हैं. अगर आप 45 रुपीज़ की टिकट लेंगे तो आपको नीचे ही रहना है. क्या नाम, मैं तेरे को कुछ फैक्ट बताता हूँ इस ताजमहल के बारे में. ये देख, सबसे पहले तो ये जो पिलर खड़े हैं ना इसके, ये टिल्टेड है. टिल्टेड इसलिए बनाए थे
ताकि जब भी शाहजहां ने कहा था कि कभी भी अर्थक्वेक आए या कुछ भी आए ना तो ये पिलर ताजमहल पे ना गिरे, तो उन्होंने इस तरीके से प्लेस किया था इनको कि ये बाहर की साइड गिर जाए ना कि ताजमहल के ऊपर गिर जाए। पता था तेरे को ये बात? पता था। अब रिजान मैं तेरे को बताता हूँ इसके बारे में। ये है यमुना नदी, यमुना जी है, और ये देख कितना गंदा पानी हो रखा है इसका। दिल्ली से आती है और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, हालांकि दिल्ली में भी ज़्यादा साफ नहीं है। अब देख मैं तेरे को बताता हूँ, वो जो वहाँ पे तेरे को बेस सा बना दिख रहा है, ये वाला, ये बेस बना था शाहजहाँ ने, क्योंकि वो यहाँ पे अपना ब्लैक ताजमहल बनाना चाहता था ऐसा बोला जाता है, और उसको कैद कर दिया गया था यहाँ पर, ये जो आगरा फोर्ट है यहाँ पर कैद कर दिया था। और यहाँ पर ये जो है इसमें से एक टनल थी, यहाँ से रास्ता जाता था उसमें आगरा फोर्ट में जाने का, तो उसका कभी ये बोला गया था कि तेरा कभी मन दुखी हो तो यहाँ पे तू आ जियो, कि वहाँ से ये यहाँ पे ताजमहल को देखता था और यहाँ पे ताजमहल का दीदार करता था। देख रिद्यान, ये जो वर्क हो रखा है यही अपने उसमें हो रखा है ना मंदिर में, राजमहल के अंदर, तो यही काम यहाँ पे भी हो रखा है। और ये पत्थर को काट कर उसके अंदर पत्थर फंसाया गया है, और ये नक्काशी है जो कि काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव तो होती है, पर इनके जो हाथ है ना वो भी कट जाते हैं कारीगरों के काम करते करते। मस्जिद फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है, लेकिन मस्जिद को खोला जाता है, सिर्फ लोकल बंदे आकर यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं, वो भी दोपहर को 1 बजे से 3 बजे तक, वो भी उनका आईडी चेक करके उनको अलाउ किया जाता है, बाहर का कोई बंदा अलाउड नहीं होता फ्राइडे को। सुबह के 8 बजे मैं यहाँ पहुँच चुका था, एंड आप मेरा हाल देख सकते हैं कितनी गर्मी है, एंड मतलब गर्मी बढ़ती ही जा रही है। ताजमहल के अंदर जाना है तो टिकट लेना पड़ेगा 200 रुपए का, जो कि मिलेगी यहाँ से। फ्रेंड्स, ये है टिकट अंदर जाने के लिए, एंड इन शू कवर के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। A few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody when I dance on your floor. 'Cause I know what you don't. It is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? देखो ऐसा ही काम हमारे मंदिर में हो रखा है, और ये पत्थर काट कर इसके अंदर पत्थर भरा गया है, ये पेंटिंग नहीं है। रिद्यान, ये बनाया गया था यहाँ पे मेहमान खाना कहते हैं, वैसे तो यहाँ आज तक मेहमान कोई रुका नहीं, ना उस टाइम पे ना इस टाइम पे, पर ये मेहमान खाना बना गया था ताजमहल के बिल्कुल सामने, और अभी तक तो यार कोई रुका नहीं। ध्यान एक बात और बताऊं तेरे को, कि इसको तू इस साइड से देखेगा तब भी सेम लगेगा, और इस साइड से देखेगा तब भी सेम लगेगा, ये डिजाइन ही इस तरीके से किया गया था कि ये चारों साइड से एक जैसा लगेगा, चाहे आप कहीं से भी देखो। भाई इनका क्या हाल हो गया, सिर्फ 1 घंटे में, हम यहाँ 8 बजे आए थे और अभी बजे हुए 9, और लग ऐसा रहा जैसे सबके बज गए 12। क्यों झगड़ा कर रहे हो रिद्यान? तो दे दे, क्या हुआ रक्षिता, क्यों रो रही है? दे दे भाई अम्ब्रेला, इसको छोटी बच्ची है, ले 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 ले, झगड़ा मत कर, जल्दी लो जल्दी लो, भाई ये उड़ रहा है, पकड़ के देख, अभी तू भी उड़ जा, रखी इसके पकड़ के देख। फ्रेंड्स वैसे काम करती है पर ये पत्थर बहुत ठंडा है, मतलब बहुत ठंडा पत्थर है। ऊपर कर हाथ, साइड में कर थोड़ा, ये भाई यहाँ का ट्रेडमार्क है, इसके बिना तो कंप्लीट ही नहीं होता ताजमहल का टूर। ये चोटी पकड़ के तो सभी फोटो खिंचाते हैं, और सेम रिद्यान भी खिंचवा रहा है, और ये है वो वीआईपी चेयर जहाँ पर सब बैठकर फोटो ले रहे हैं, इसलिए हम भी यहाँ पर फोटो लेंगे। स्माइल। सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर टुडेज व्लॉग, एंड आई होप आपको इस व्लॉग में मजा आया होगा। मजा आया तो यार प्लीज कमेंट बिलो, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब करें, टिल देन बाय बाय।